वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको आलू देखकर पता नहीं चल गया होगा कि मैं कुछ आलू का चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज ब्रेड रोल बनाऊँगी, जो कि सबकी फेवरेट होती है, और ब्रेड रोल बनाऊँगी। तो शुरू करते हैं ब्रेड रोल बनाने के लिए। तो मैंने 4 मीडियम आलू रख लिया है, देखिए। अब इसी में मैश कर दूँगी। मीडियम साइज का ओनियन डालूंगी, पनीर थोड़ा सा, पनीर से टेस्ट बढ़ेगा, धनिया, धनिया मैं कुछ ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे धनिया बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और हरी मिर्च, लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा काला नमक, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा मैं किशमिश ले रही हूँ। अभी मिक्सर को थोड़ा सा अच्छे से मिला लूँगी। मैं मिक्स कर दी हूँ, मिक्सर से रेडी कर दी हूँ। और ब्रेड लूँगी, मेरा ब्रेड थोड़ा छोटा छोटा है, छोटे साइज में है, देखिए। और इसे मैं ये साइड वाला काट लूंगी क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ब्रेड रोल बनाने में। इसे हटा देते हैं। तो एक प्लेट मैंने पानी रख लिया है और इसे हल्का सा पानी में डिप करूंगी और इसका पानी अच्छे से निकाल दूंगी। मेरा ब्रेड छोटा है इसलिए मैं 2 लूंगी। आलू के नींबू का गोला बना दूंगी, आलू को नींबू के साथ का, और ब्रेड में जो पानी से डिप किया था उस ब्रेड में आलू को पूरा कवर कर दूंगी। देखिए मैंने गोला बनाकर रेडी कर दी है और अब इसे मैं छानूंगी। तो छानने के लिए कढ़ाई बिठाती हूँ। अब इसमें ऑयल डालती हूँ, ऑयल को थोड़ा हीट होने देती हूँ। अभी हीट नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंडों पर। हीट हो गई है, अब इसमें बना हुआ ब्रेड रोल। हल्की हल्की ब्रेड बनाने लगी है, ये देखिए ब्रेड रोल रेडी हो गई है, जिसे मैं निकाल दूँ। ब्रेड रोल रेडी हो गई। आप किसी गेस्ट को नाश्ते में चाय के साथ आप ले सकती हैं। जिसे देखिए आप टमाटो सॉस, धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और चाय रहे साथ में तो मज़ा ही आ जाए। इसे देखिए, इसे मैं धो के दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा लग रहा है ये टेस्ट है, देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर करें।